अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा नवीन पाठ्यक्रम की संरचना। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 तक के लिए देखिए बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आई है। तो अगर आप इस बार सीटेट की परीक्षा, अपेरिंग छात्र इस बार सीटेट का पेपर 20 अगस्त को देने वाले हैं। अगर पेपर आप क्लियर करेंगे तो सीधे बिहार शिक्षक भर्ती में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं, जल्द से जल्द वहां पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों, हम पूरा पाठ्यक्रम देखते हैं, आपका सिलेबस क्या है। परीक्षा की दोस्तों अवधि 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट की होगी। सीटेट का पेपर में दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं और आपको 150 प्रश्न हल करने के लिए 150 मिनट मिलेंगे। संरचना एवं विषय वस्तु सूची सभी अनिवार्य। देखिए पहला हमारा होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक। भाषा प्रथम जिसमें दोस्तों आप हिंदी लेंगे, 30 नंबर के, 30 अंक। भाषा द्वितीय में दोस्तों आप जैसे इंग्लिश यहाँ पर ले सकते हैं या कुछ बच्चे संस्कृत लेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर। गणित दोस्तों चौथे में होगा, 30 प्रश्न 30 नंबर। और पर्यावरणीय अध्ययन 30 प्रश्न 30 नंबर। टोटल आपके 150 प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिहार में शिक्षक भर्ती में मौका मिले और नौकरी करना चाहते हैं तो सीटेट में कम से कम आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप बिहार के छात्र हैं, बिहार में रहने वाले स्थायी निवासी हैं, तो अगर आपको जैसे आरक्षित वर्ग OBC SC या ST में आते हैं, ठीक है, तो आप 82 नंबर से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के छात्र हैं, मतलब जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, तो मिनिमम आपको सभी छात्रों को 90 नंबर लाना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों पाठ्यक्रम देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास और अध्यापन, 30 प्रश्न। देखिए बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए जो 15 नंबर के और क्वेश्चन बनते हैं वो पेडागोजी से होते हैं, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक अभिभावक और मित्रगण। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ते हैं एक अच्छा स्कोर भी करते हैं। पाइगेट हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। फिर दोस्तों बारी आती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। फिर दोस्तों बारी आती है अधिगम और अध्यापन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। फिर दोस्तों भाषा वन, यहाँ पर दोस्तों आपका जैसे हिंदी अगर आप लेते हैं तो 30 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, 1 गद्य और अथवा नाटक और 1 कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। भाषा विकास का अध्यापन, 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हर जगह 15 नंबर पैडागोजी से, 15 नंबर आपका नॉर्मल। अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में
व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। भाषा कौशल हो गया, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सब चीज़ें। भाषा टू, जैसे लैंग्वेज टू में आप संस्कृत या इंग्लिश लेते तो वहाँ पर भी दोस्त वही एक गद्य जैसे होगा ना, 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें जैसा भी हमारा भाषा वन में था वैसे भाषा टू में कुछ रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर दोस्तों गणित में क्या आएगा, ज्यामिति हो गया, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस ठीक है पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। फिर दोस्तों अध्यापन संबंधी मुद्दे, जिसको 15 नंबर के पेडागोजी में, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे ना तो पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे। फिर दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे 30 नंबर के, पहले 15 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, परिवार और मित्र से संबंधित संबंध मतलब कैसा होना है, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है अध्यापन संबंधी मुद्दे, ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व क्या है, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसी, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्या। ये सब दोस्तों क्वेश्चन आपको पढ़ने, इस तरह से अगर आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। देखिए आज आपने इसमें एक वीडियो में देख लिया कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। देखिए पेपर बहुत कठिन नहीं आने वाला अगर आपने सिर्फ 3 जगह कॉन्सेंट्रेट कर लिया। जैसे मान लेते हैं आपकी बाल विकास बहुत अच्छी है, भाषा हिंदी बहुत अच्छी है और गणित अच्छी है, तो 30 या 90 नंबर तो आपके बन गए, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ नंबर पर्यावरण से या लैंग्वेज टू से भी आप ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फोकस ये करना है, सबको आपको बढ़िया से करना है ताकि आप पेपर में एक अच्छा स्कोर करें, ठीक है। आपका टारगेट मिनिमम स्टार्टिंग 120 से होना चाहिए, समय दोस्तों 150 मिनट, 2.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो पेपर वन पेपर टू दोनों होगा आपका, पेपर वन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी लेवल आपका मांगा जाएगा, और कहीं पर भी आती है। देखिए पेपर टू जूनियर की जो वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं है, पेपर वन में जो आई है उसको बढ़िया से हमें देखना है। लापरवाही की कोई गुंजाइश किसी भी छात्र से उम्मीद हम नहीं करेंगे क्योंकि लापरवाही बहुत महंगी आपको पड़ सकती है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और सीटेट 2022 और 2023 का जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं 20+, सब कुछ हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।